तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे सामने दो बाइक्स प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑल न्यू बजाज की पल्सर 220F का बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल, जो कि 2023 वाला वेरिएंट है, फाइनली OBD2 अपडेट्स के साथ आ चुका है। दूसरी जो बाइक है वो है RS 200 का न्यू मॉडल, ये भी फ्रेंड्स OBD2 अपडेट्स के साथ आ चुका है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स दोनों बाइक्स को यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं। अगर आप भी फ्रेंड्स न्यू बाइक परचेस करने का प्लान बना रहे हैं तो आप आज के इस वीडियो को देख ले, आपकी सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको प्राइसिंग हम बताना चाहेंगे। 220F का फ्रेंड जो ऑन रोड प्राइस है वो जा रहा है 1,67,000 रुपीज के अप्रॉक्स में। और ये फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 20 की आपको बैजिंग मिल जाती है, और ये बाइक आप 20% इथेनॉल वाले पेट्रोल को सपोर्ट करने वाली है। इस साइड में अगर आप वहीं RS को देखते हैं तो ये ऑन रोड जा रहा है 2,06,000 रुपए के अप्रॉक्स में, 2,06,000 रुपीज के अप्रॉक्स में, ये भी फ्रेंड्स E20 अपडेट्स के साथ आ रहा है। और अगर आप बैक से डिज़ाइन देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। दोनों ही बाइक्स में फ्रेंड्स अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो 40,000 रुपीज़ एक काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। बट अगर आप फीचर वाइज भी देखते हैं तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। 220F जो है वो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको शार्प डिज़ाइन में मिल जाता है। आप लुक्स देख पा रहे होंगे, ये बाइक आता है फ्रेंड्स सिंगल चैनल ABS के साथ, और ये आ जाता है यहाँ पे डुअल चैनल ABS के साथ। बाकी यहाँ पे अगर आप बैक से देखते हैं तो इसका जो फ्रेंड्स रियर का टायर है वो 120x80 का आपको मिलता है, 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स पर माउंट है, और साइड माउंटेड एग्जॉस्ट आपको मिल रहा है। इसका जो यहाँ पे फ्रेंड्स टायर से वो आपको मिलता है 130 सेक्शन का, 130x70 का, जो कि 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स पर माउंट है। और कुछ ऐसा लुक्स यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाता है। बैक से टेल लाइट्स का डिज़ाइन आप देख पा रहे होंगे, दोनों में ही LED में आपको टेल लाइट्स यहाँ पे मिल जाता है। और दोनों ही में अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं तो फ्रंट में आपको मिलता है प्रोजेक्टर लाइट्स, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाता है हैलोजन बल्ब में। और फ्रंट्स यहाँ पे दोनों ही काफ़ी शार्प डिज़ाइन में आपको मिलती है। दोनों में फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक फोक्स प्रोवाइड कर देती है। बट अगर आप टायर प्रोफाइल देखते हैं तो उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। इसका जो फ्रंट का टायर है वो है 90x90 का, 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स पर माउंट है। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके टायर की, तो ये 100x80 का है, 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स पर माउंट है। ये फुल फेयरिंग डिज़ाइन में आता है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स इसका फेयरिंग का डिज़ाइन, 200 की बैजिंग मिल रही है, और व्हाइट कलर के चैसी का यूज़ किया गया है रेड कलर में। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स कलर ऑप्शन मिलता है बर्न्ट रेड कलर। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये हाफ फेयरिंग वाले डिज़ाइन में आ जाता है। इसमें आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, इसमें आपको कंपनी यहाँ पे ऑयल कूल्ड इंजन प्रोवाइड करती है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन मिलता है। तो फ्रेंड्स आप देख कर बताएं कमेंट करके कि दोनों में से कौन सी बाइक का आपको डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी अगर हम बात करते हैं दोनों के यहाँ पे मीटर कंसोल के बारे में, तो एनालॉग प्लस डिजिटल में यहाँ पे आपको मीटर कंसोल जो है वो मिल जाता है। इसमें भी कंपनी यहाँ पे आपको एनालॉग प्लस डिजिटल में प्रोवाइड करती है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाता है कुछ रेट्रो डिज़ाइन में, मतलब राउंड डिज़ाइन में आपको मिलता है। क्लिप ऑन में कंपनी हैंडल बार्स प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे आपको मिलता है इंजन किल स्विच, यहाँ मिल जाता है इलेक्ट्रिक स्टार्ट, ये है फ्रेंड्स इसका हाई बीम लो बीम, यहाँ पे पास इंडिकेटर्स और हॉर्न, ये है फ्रेंड्स E20 की बैजिंग, और फुल फेयरिंग वाला यहाँ पे मस्कुलर सा टैंक, स्प्लिट में सीट आपको यहाँ मिल जाता है, और टेल लाइट्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं। वहीं अगर आप इसे देखते हैं तो इसमें भी फ्रेंड्स आपको कुछ ऐसा ही सेटअप मिलता है, एनालॉग प्लस डिजिटल वाला मीटर कंसोल, बट ये थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन में है, जो कि कंपनी आपको पल्सर 220 यहाँ पे फ्रेंड्स जो मीटर कंसोल है ये सेम आपको 125 में भी ऑफर करती है, 150 में भी ऑफर करती है। बाकी क्लिप ऑन में हैंडल बार वो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है, और सारी फ्रेंड्स यहाँ पे स्विचेस बैकलीट आपको मिल रही है। तो लुक्स आप देख कर बताएं, यहाँ पे आपको स्प्लिट में जो है वो सीट मिल जाता है, और साड़ी गार्ड वगैरह जो है वो सब कंपनी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। ओपन चेन सिस्टम के साथ ये बाइक आ जाती है। ये आती है फ्रेंड्स 5 स्पीड गियर बॉक्स सेटअप के साथ, ये आ जाती है 6 स्पीड गियर बॉक्स सेटअप के साथ। और ये था फ्रेंड्स कुछ यहाँ पे ऐसा लुक्स। आप कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको यहाँ पे डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा किसका लगा है। और ये था एक शॉर्ट कंपैरिजन। मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।